आज जो क्वेश्चन हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कर रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि इसमें गुडविल के दो केसेस गिवन है। पहला केस में लिखा है हमारे पास गुडविल एडजस्टेड थ्रू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरे केस में लिखा है गुडविल इज रेज एंड राइटिंग ऑफ या फिर रिटर्न ऑफ। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना होता है गुडविल को, हम मैं आपको वो एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो बेसिकली यहां पर क्या है, तीन पार्टनर है ए बी सी, जिनके शेयरिंग रेशियो क्या था पुराना वाला 3:2:1, और नया रेशियो क्या है 1:1:1, यानी कि इक्वली। तो अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, तो पहला केस हम पहला करते हैं जो कि हमारे पास क्या है गुडविल एडजस्ट थ्रू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में एक डिटेल भी गिवन है, जैसे क्या बताया कि गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है 18,000, तो गुडविल जो है कंपनी में वो 18,000 रुपीज है। तो 18,000 का आप क्या करें, हमें करना है इसे एडजस्ट थ्रू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब भी हमारे पास लिखा हो थ्रू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो हम क्या करते हैं, हम इसे गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अब उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, गेनिंग शेयर और हमारा सेक्रीफाइसिंग शेयर, है ना। तो हम क्या करते हैं गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकालते हैं फटाफट से। तो हमारे पास उसका जो फॉर्मूला है सेक्रीफाइसिंग मेथड से, वो है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, पहले ए का निकालने वाले हैं फाइंड आउट करके, जो कि हमारे पास ओल्ड शेयर कितना है उसका 3। सो 3 बाय कितना आएगा, अब डिनोमिनेटर में 3 प्लस सारे जितना पार्टनर है उनका टोटल, ठीक है। तो 3+2+1 यानी आएगा 6, ठीक है। अब इसमें से क्या माइनस करेंगे, ए का न्यू शेयर माइनस करेंगे, ए का न्यू शेयर कितना है 1, तो यहाँ पे करेंगे 1, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा टोटल ऑफ ऑल पार्टनर शेयर, तो यानी डिवाइड बाय 3। तो अब इसे क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका एक कॉमन एलसीएम लेंगे, और कॉमन एलसीएम लेने पे हमें पता चलेगा कि यहाँ पर कितना आने वाला है, 6 और 3 का एलसीएम वो आएगा 6। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे हम फटाफट से सॉल्व करेंगे, जो कि कितना आएगा यहाँ पर, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2, और इसके बाद आएगा 1/6। जब भी हम सेक्रीफाइसिंग मेथड से आंसर निकालते हैं और हम फॉर्मूला यूज करते हैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू, और कोई भी वैल्यू हमारी प्लस में आ रही है ना, तो उसमें हम क्या करते हैं, प्लस में आए वाले को हम कंसीडर करते हैं कि ये पर्सन क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। ये पर्सन क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अभी हम बी का क्या निकालते हैं, ओल्ड माइनस न्यू करते हैं। तो बी का जो ओल्ड शेयर है वो कितना है 2 है, तो 2/6 करेंगे फटाफट से, माइनस क्या कितना करेंगे 1/3 करेंगे, सभी पार्टनर का शेयर आता है डिनोमिनेटर में। तो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम आएगा 6, और इसके बाद आएगा यहाँ पे 2-2, जिससे आंसर आएगा 0। तो यानी कि या तो बी ना तो यहाँ पे कुछ गेन कर रहा है और ना ही यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहा है। अभी हम करते हैं सी का कैलकुलेशन। सी की कैलकुलेशन में हमें क्या बताया गया कि भाई इसका जो ओल्ड शेयर था वो कितना था, ओल्ड शेयर था हमारे पास यहाँ पे 1, और न्यू शेयर कितना था, ये भी 1 था, लेकिन वहां पे क्या लिखेंगे ओल्ड शेयर में 1/6, क्योंकि वहां पे टोटल बन रहा था 6। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1/3। अब हमारे पास स्किल में भी हम क्या करेंगे, कॉमन एलसीएम लेंगे फटाफट से, कॉमन एलसीएम लेने पे क्या आएगा 6, जिसमें आगे सॉल्व करेंगे तो 1-2 = -1/6। अब जो आंसर माइनस में आता है इसे हम कंसिडर करते हैं कि ये पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। अब ये पार्टनर तो गेन कर रहा है, चलिए गेन तो इसने कर लिया, अब हमें क्या करना है। अभी मैंने आपको कहा था जो हमारे पास केस 1 था गुडविल का, जिसमें लिखा था गुडविल एडजस्टेड थ्रू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसे हम क्या करेंगे, हमारे गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग में एडजस्ट करेंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं फटाफट से गुडविल जो थी हम चेक कर लेते हैं, हमारे पास गुडविल थी 18,000, और हम इसे क्या करते हैं एडजस्ट करते हैं। सो 18,000 को हम क्या करेंगे इंटू 1/6 करेंगे, जिससे हमारे पास कितना आएगा 3,000, ठीक है। अब 3000 हमारे पास आंसर आ गया, लेकिन अब इसकी जो जर्नल एंट्री करनी है, किसको हम डेबिट करें किसको क्रेडिट करें, ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अभी हमारे पास जो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग आए थे, इसको ध्यान रखना है, जो पार्टनर गेन कर रहा है यानी जो आंसर माइनस में था वो गेन कर रहा है, और जो गेन कर रहा है वो जाएगा डेबिट, ठीक है, और जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे हमारे पास आ गया सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे एंट्री लिखने वाले हैं सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए, ठीक है, क्योंकि ए क्या कर रहा था, सेक्रीफाइस कर रहा था। तो हम यहां पे लिखेंगे इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना अमाउंट आएगा, यहां पे आएगा 3000, और यहां पे भी आएगा 3000। चलिए अभी हम देखते हैं केस टू। केस टू में क्या है हमारे पास, केस टू में हमारे पास मेंशन है, भाई एक बार आप रीड करो कि हमारे पास केस टू में क्या लिखा है। केस टू में हमारे पास मेंशन है गुडविल इज रेज एंड राइटिंग ऑफ या फिर रिटर्न ऑफ, है ना। तो यहां पर इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी में गुडविल आ रही है। इसमें दो स्टेप है एक्चुअली,
यहाँ पे बताया गया है कि रेस यानी कंपनी में गुडविल आ रही है और रिटर्न ऑफ का मतलब है कि कंपनी से पार्टनर्स गुडविल को विड्रॉ करके लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो जो कंपनी में गुडविल आती है उसे हम अपने पास लिख लेते हैं ओल्ड रेशियो में। आप नोट कर लीजिए, जब भी रेज करना होता है तो उसे हम क्या करते हैं, ओल्ड रेशियो में लिख लेते हैं, और जब वो पार्टनर्स विड्रॉ करेंगे तो उसे न्यू रेशियो में करेंगे। ठीक है, और रेज वाली क्या होगा, रेज वाला हमारा जाएगा ओल्ड में, ठीक है, और रिटर्न ऑफ वाला क्या जाएगा, वो जाएगा न्यू में। ठीक है, चलिए इसके लिए क्या करना होगा हम फटाफट से देखते हैं। अब हमारे पास रेशियो तो गिवन था, हमारे पास क्वेश्चन में कितना कितना था, हमारे पास रेशियो था 3:2:1, ये तो था ओल्ड, ठीक है, और हमारे पास न्यू क्या था, 1:1:1 था आई थिंक जो, है ना। तो ये हमारे पास रेशियो गिवन थे, लेकिन इसके अलावा हमें क्या करना है, मैंने कहा कि गुडविल रेज हुई है यानी कंपनी में गुडविल आई है, तो जो कंपनी में गुडविल आई है, रेज का मतलब कंपनी गुडविल आई है कंपनी में, ठीक है, तो जो गुडविल आई है उसे हम क्या बोल रहे हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो हमारे पास आया क्या, हमारे पास आई गुडविल, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं भाई गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट, ठीक है, और कितनी गुडविल आई थी हमारे पास, हमारे पास आई थी 18,000 रुपए। ठीक है, अभी हमने ये लिख लिया डेबिट में। अभी ये गुडविल जो आई है ये किसके लिए आई है, ये पार्टनर्स के लिए तो आई है, किसको मिलेगा इसका बेनिफिट, पार्टनर्स को मिलेगा। तो हमारे पास कितने पार्टनर है, हमारे पास 3 पार्टनर है, 2A 2B 2C, ठीक है। अब इनको कितना कितना मिलेगा, मैंने कहा जब भी हम रेस्ट करते हैं तो इसे क्या करते हैं, हमारे ओल्ड रेशियो में करते हैं, तो यानी कि जो हमारी 18,000 की गुडविल है, ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, एक बार 3/6 में करेंगे डिवाइड, फिर हम 18,000 दोबारा लिखेंगे, फिर हम इसे करेंगे 2/6 में, ठीक है, फिर इसी के बाद दोबारा से करेंगे 18,000 × 1/6, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या आएगी, हमारी गुडविल के अमाउंट आएंगे कि कितने कितने आएंगे, हमारे पास आएगा कि भाई ए को कितनी गुडविल मिलनी चाहिए, 9,000 मिलनी चाहिए, फिर हमारे पास बी को 6,000 मिलनी चाहिए, और यहाँ पर इसे 3,000 मिलनी चाहिए। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। अब हमने क्या करा, गुडविल रेस्ट कर दी, है ना। आप एडजस्टमेंट भी सेम चीज मेंशन कर सकते हो, एडजस्टमेंट से मीन्स आपके इसके पास जो नरेशन है उसमें आप मेंशन कर सकते हो भाई बीइंग गुडविल इज रेस्ट एंड रिकॉर्डेड इन द पार्टनर्स अकाउंट, है ना। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे जिसमें हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न ऑफ करेंगे। रिटर्न ऑफ में हम क्या करने वाले हैं, रिटर्न ऑफ में हम इसे न्यू रेशियो में विड्रॉ करा देंगे। विड्रॉ का मतलब होता है कि पार्टनर्स कंपनी से ये पैसा लेके जा रहे हैं। जब भी पार्टनर्स पैसा लेके जा रहे होते हैं पार्टनर्स का नाम डेबिट में आ जाता है। तो अभी कितने पार्टनर है हमारे पास, 3 पार्टनर हैं, तो ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट, सी अकाउंट डेबिट, और ये जो पैसा है ये किस चीज का लेके जा रहे हैं, ये गुडविल का लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहां पे लिख भी दिया कि गुडविल का पैसा लेके जा रहे हैं। अभी जो पैसा था गुडविल का था कितना, 18,000 रुपए था, लेकिन मैंने आपको कहा था जो 18,000 रुपए है ये क्या करेंगे पार्टनर, ये पार्टनर न्यू रेशियो में लेके जाएंगे। जब भी क्या कर रहे हैं हम राइटिंग ऑफ करेंगे तो ये पार्टनर क्या करेंगे, इस पैसे को न्यू रेशियो में लेके जाएंगे। तो न्यू रेशियो के हिसाब से कितना कितना मिलेगा सबको, हमारे पास मिलेगा 1:1:1, यानी 18,000 का इक्वल मिलेगा तीनों को, यानी कि कितना, 6,000, दूसरे को भी 6,000 और तीसरे वाले को भी 6,000 मिलेगा। तो इस तरह से हमने क्या करा, हमारे पास हमने तीनों ही जर्नल एंट्री कर ली इसकी और हमने केसेस समझ भी लिए। होप करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।